हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है आज की बिटकॉइन अपडेट में। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, एंड आई होप कि आप लोग अपनी दिवाली सेफ एंड अच्छे तरीके से मनाओगे, एंजॉय करके फुल तरह से। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन में और बिटकॉइन की अपडेट देखें। उससे पहले हम S&P को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर करिए कि डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जो पहली लिंक है वहाँ से क्लिक करके आप जाइए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर आने वाली हैं आने वाले दिनों में। डायरेक्टली बात करते हैं हम लोग S&P की, तो S&P जो है वीकली में ग्रीन लग रहा है, विच इज़ क्वाइट बुलिश। और आज कुछ नया तो है नहीं मार्केट में बताने को, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं यार, कुछ कॉइन्स के अपडेट लेते हैं। जैसे हमें कुछ कॉइन्स जैसे डॉट, मैटिक, इन सब का देख लेते हैं क्या होता है। कल आपको याद होगा 82 सेंट्स के अराउंड मैटिक चल रहा था और 89 चल रहा है आज। कल मैंने उठाने को बोला भी था कि इसको DCA करना स्टार्ट कर दो, तो अगर किसी ने उठाया तो उनका प्रॉफिट हुआ होगा 7 से 8% का, पर मैं ज़्यादा खुश नहीं होता। 7 से 8% बहुत कम है हमारे चैनल के एवरेज प्रॉफिट के अराउंड से। अगर बात करें तो यहाँ पर S&P जो रिजेक्शन फेस कर सकता है वो 3786 के अराउंड कर सकता है, 3780 या फिर कह लो 3800 के अराउंड ये रिजेक्शन फेस कर सकता है। वहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा तो बिटकॉइन भी नीचे की ओर गिर सकता है, क्योंकि खासकर कोई बड़ा मूवमेंट जो है बिटकॉइन दिखा भी नहीं रहा है इस जगह पर ना। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने को है, विच कैन टेक अस टू एनी वेयर अराउंड। लाइक आपको मैं दिखाता हूँ ये हमें कहाँ तक ले जा सकता है। या तो ये हमें यहाँ से 50% तक नीचे गिरा सकता है, 13,000 तक ला सकता है, 28% या लगभग कितना गिरेगा अगर हम यहाँ से गिरते हैं, लाओ देख लेते हैं। यहाँ से गिरते हैं तो 33% का डाउनफॉल नीचे की ओर आएगा, और अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर गिरते हैं तो हमें कितना डाउनफॉल देखने को मिलेगा, हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है अराउंड लगभग यहाँ तक का 24% या फिर 25% अगर हम यहाँ बुल मार्केट सपोर्ट बैंड की बात करें। और अगर बुलिंजर के फटने की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल सकता है 28 तक का जो रेंज है वो अच्छा खासा है। लेकिन आप लोग इतने में खुश मत होना, क्योंकि मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है। कुछ और चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है वो ये है हमारी, और इसमें मुझे आपसे लेट मी टेल यू अबाउट दिस। तो ये रहा हमारा वो चार्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। आपको पता है बुल मार्केट सपोर्ट बैंड टेंड टू बी द सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन बेयर मार्केट्स एज वेल एज बुल मार्केट्स रेस्पेक्टिवली। तो आपको अगर मैं वीकली का चार्ट दिखाऊं तो वीकली के चार्ट में आप देखोगे कि जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है वो अराउंड 20,600 के अराउंड बैठा हुआ है से लेकर 22,800 के अराउंड बीच में है। तो कहीं ना कहीं अगर पंप आता है और प्राइस ने जैसे रीसेंट हिस्ट्री में करने की कोशिश कई बार की है, वो ये करने की कोशिश की है कि भैया वो बिटकॉइन जो है वो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड को हिट करके फिर उसके बाद नीचे आने की कोशिश करता है बेयर मार्केट में होता है अगर, वरना उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है अगर बुल मार्केट में होता है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जिधर भी जा रहा है ना उसको ही प्राइस फॉलो करने वाला है आने वाले दिनों में, और प्राइस इसको टेस्ट कर सकता है चाहे तो नीचे जाए या फिर इसको ऊपर की ओर जाए। जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पर आई हुई वॉल्यूम डिसाइड करेगी नीचे की ओर। तो अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ के बारे में जो है हमारी RSI। वीकली की RSI में मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली है, और ये चीज़ शायद ही आपको किसी ने बताई हो, वो चीज़ हमारी ये है। आप RSI को अगर देखोगे बहुत ही ध्यान से तो RSI में हमें एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी, ठीक। और ये जो डाइवर्जेंस हमारी है RSI में, आप देखोगे प्राइस जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, वहीं RSI जो है वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, विच इज़ आप बुलिश पैटर्न, और यहाँ से हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। अगर हम मान के चलते हैं मोटा मोटा प्रॉफिट तो हमें यहाँ तक का 22 तक का तो टारगेट देखने को मिल सकता है अगर पंप आता है, जो मेरी थ्योरी है अगर वो सही होती तो हमें 22 तक का मिनिमम पंप जो है वो देखने को मिल सकता है, 20-22 कहीं भी हमें देखने को मिल सकता है, पर पंप देखने को मिल सकता है इसकी वजह से वीकली में। अब ध्यान रखना कि मैंने ये जो चार्ट आपको बताया ये वीकली में बताया, तो वीकली में चीज़ें होंगी ना कि किसमें हमारी डेली में, तो ये चीज़ें याद रखना। और वीकली में तो बहुत बड़ा पर जो है हमें मूवमेंट देखने ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं कुछ कॉइन्स की, यहाँ पर हम देख लेते हैं सबकी पोजीशन क्या चल रही है। पोलका डॉट फाइनली हमारे $5 वाली रेंज में आ गया है, इसकी जगह अगर हम डॉट जाएँ डॉट के चार्ट को चेक करें और यहाँ पर देखते हैं कि डॉट क्या कर रहा है। तो लेट अस सी डॉट के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी हम लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं, अराउंड 5 के अराउंड, और मैंने आपको ये येलो वाला रीजन बता दिया था टाइम रहते ही। ये येलो रीजन है 6 से लेकर यहाँ पर 4.2 के बीच में, तो इस जगह पर आप डॉट को उठा सकते हो। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के 100 लाइक्स पहुंचा देना मेरे जो भी चाहते दोस्त हैं भाई हैं जितने भी लोग हैं सब लोग इस वीडियो के 100 लाइक्स पहुँचाने की कोशिश करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, अपनी दिवाली अच्छे से मनाना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।